गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बेंजोनाइड कंपाउंड नॉन बेंजोनाइड एंड क्रैक्स रूल सबसे पहले देखते हैं कि बेंजोनाइड कंपाउंड क्या होता है वह कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग की तरह जो भी स्ट्रक्चर दिखे हमारा बेंजीन रिंग की तरह हो और वो एक रिंग हो या एक से ज़्यादा रिंग अटैचड हो सकती हैं उसे हम कहते हैं बेंजोनाइड कंपाउंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया मैंने पहले ही यह हमारा बेंजोनाइड कंपाउंड ये हमारा है टालोविन बेंजीन की तरह यह स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये फिनॉल है इसमें भी बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है और एनिलीन और ये है नैथिलीन एंथरासिन फेनथिलन ये सारे के सारे हमारे बेंजोनाइड कंपाउंड है इसीलिए लग गया था हम ये भी देख लेते हैं कि नॉन बेंजोनाइड क्या होता है नॉन बेंजोनाइट कम्पाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग अवेलेबल ना हो जैसे एग्जाम्पल में देखिए ये, ये सेवन मंबर ये फाइव मंबर इसे हम कहें इसका नाम होता है एजुलिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं एजुलिन ये होता है नॉन बेंजोनाइड का एग्जाम्पल और भी सारे एग्जाम्पल हैं नॉन बेंजोनाइड के ये ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन एनुलिन जो मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ाया है बताया है ट्वेल्व फोरटीन सिक्सटीन एटीन एनुलिन बहुत सारे सारे जो होते हमारे हैं हमारे नॉन बेंजोनाइड हैं नॉन बेंजोनाइड के एग्जाम्पल में आते हैं आप लोग लिखना चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं इससे पहले की वीडियो से हाँ अब ये न, ये नैफेलिन और ये एजुल ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं आइसोमर क्या होते हैं ये स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियो में बताया जा चुका है मैं फिर से बता देता हूँ आपको जिसमें जिसका मालिकुलर फार्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं आइसोमर जैसे कि इसमें देखिए जितने नंबर ऑफ़ कार्बन जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है उतने ही उस नंबर ऑफ़ कार्बन नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एजुलीन में भी है जैसे मैं यहाँ पर काउंट करूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कार्बन है और यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कार्बन है इसी तरह से आप हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं वो भी सेम होगा क्योंकि ये नेस्थेलिन और एजुलीन एक दूसरे के आइसोमर हैं अब अब दोनों जब एक दूसरे के आइसोमर हैं ये बेंजोनाइड कंपाउंड है वो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड है अब इन दोनों में सबसे ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये वाला भी एरोमेटिक होता है अब देख लीजिए साइकिले प्लेनर कंजुगेशन फोर एन प्लस टू पाई को फॉलो करता है यह होता है एरोमेटिक कंपाउंड अब दोनों में स्टेबिलिटी की बात कर लें ये ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो हम देखते हैं कि इसमें जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बने वो होता है ज़्यादा तो सबसे पहले हम इसमें इस, इस रिंग में देखते हैं तो ये वाला कार्बन इस साइड और ये वाला कार्बन इस साइड और ये वाला इस साइड इसके लिए हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए अगर इधर कम सेम रखें इस तरह से और ये वाला बांड इस साइड आ गया और यहाँ वाला इधर चला आया और यहाँ वाला इस साइड आ गया एक तो यह हो गया हमारा दूसरा क्या हो सकता है दूसरा कुछ इस तरह से हो सकता है ये वाला इस साइड ये वाला इस साइड ये वाला इस साइड <coughs> आ जाएगा नीचे बनाने इस साइड का ये वाला सेम रहेगा और ये वाला बांध इधर आ रहा है एक इधर एक इधर एक इधर तो इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ठीक है और इसमें देखते हैं कितना बनेगा अगर हम इसको इस साइड मूव करते हैं इसको इस साइड मूव करते हैं इसको इस साइड और फिर इसको इस साइड और इसको यहां पर तो यहां पर यह कुछ स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा देखिए यहाँ वाला कार्बन यह यह वाला वाला वाला, यह वाला, यह वाला पाई बांड यहां पर आया फिर उसके बाद अल्टरनेट पर लगा लेंगे हम एक यहाँ पर फिर ये सिंगल ये डबल ये सिंगल ये डबल फिर ये, ये सिंगल ये डबल ये सिंगल ये डबल उसी तरह से इसमें अरेंज हो जाएंगे और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने दो तो अब स्टेबल कौन होगा एजुलिन और नैफ्थिलिन में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा ये नैफ्थलिन है आप लिखना चाहते लिख सकते हैं मैंने लिखा नहीं है तो इन दोनों में स्टेबल ज़्यादा होता है हमारा नैफ्थलिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री बनते हैं इसमें दो ही होता है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है कम्पेरिजन टूल एजुलिन हाँ अब इसमें एजुलिन में हम लगे हार ये भी देख लेते हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट होता है या नहीं इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एजुलिन में डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं होता है तो हाई होता है कि लो होता है कैसे होता है तो अभी हमें वो देखना है तो हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं तो सबसे तो पहले हम इस पाई बॉन्ड को इस साइड मूव कराएँ और इसको हम इस कार्बन को दे दें दे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा अब हम देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट ठीक है इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आएगा दूसरा थोड़ा मैं छोटा छोटा जलेली बना दे रहा हूँ तो देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ये से है और ये वाला बांड इस साइड गया तो इधर आया पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया पॉजिटिव और डबल बांड आ गया यहाँ पर और ये वाला कार्बन ये वाला बांड ले लिया यहाँ पर आ गया निगेटिव और यहाँ पर एक डबल बांड यहाँ पर है अब दूसरा क्या हो जाएगा इसका और रिजनिंग स्ट्रक्चर बनाए अगर हम ये माइनस अपना बांड यहाँ पर दे और ये वाला अपना एक कार्बन ये वाला बांड यहाँ पर इस कार्बन के पास आ जाए और लगे इसमें भी हम देख लेते हैं ये बांड अगर इस साइड मूव हो जाए तो यहाँ पर ये वाला बांड जैसे कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव कर दें ये तो अपना कार्बन इस साइड रहेगा और ये वाला पोर्शन जो वो वह वहाँ पर जाएगा तो ये वाला वहाँ पर जाएगा तो ये प्लस घूम कर यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस चार्ज आ गया है हमारा यहाँ पर डबल वन हो गया यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर और डबल वन हमारा यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर अब हम दूसरा दिखाना चाहें तो अब हम इसको मूव करा दे सकते हैं इधर बस देखते जाइए मैं अभी क्या करना चाह रहा हूँ अभी आपको दिखेगा अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना लें पूरा इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं डबल वन यहाँ पर एक यहाँ पर और अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर और डबल वन आ गया यहाँ पर ये यह यहाँ पर आया तो पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अब हम अगर इस वाले बॉन्ड को इस साइड मूव करें तो इसके साथ इसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज ये ऐसे ही है और ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर एक यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है ठीक है चलिए अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ इन सबको दिखाकर मैं कहना क्या चाहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज पहले इस कार्बन भर था एक कार्बन छोड़कर फिर आया दूसरे कार्बन पर यहाँ पर फिर इसको छोड़कर कर यहाँ पर आ गया फिर अब इस कार्बन को छोड़कर कर यहाँ पर आ गया अब जैसे जैसे आप अब इस बॉन्ड को यहाँ पर रोटेट करेंगे फिर अब इस कार्बन को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो अब यहाँ पर आएगा तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो, तो देखिए पहले इस कार्बन पर था इस, इस, इस कार्बन को छोड़कर यहाँ पर फिर जो यहाँ से पूरा घूमने के बाद पहले इस कार्बन पर था इसको छोड़कर यहाँ पर आया अब अब इसको छोड़कर यहाँ पर आ रहा है यानी कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर कार्बन पर मूव कर रहा है ठीक है तो मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बना सकता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये पॉजिटिव पा, चार्ज जो वो इधर सब पर मूव कर रहा है हर एक कार्बन पर मूव कर रहा है अब इसके आगे और भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बांड इधर इधर करके बनाएंगे ना तो पूरे कार हर कार्बन पर जाएगा देखिए पहले इस कार्बन पर था इसको छोड़कर इस पर फिर इसको छोड़कर इस पर आया अब इसको छोड़कर इस पर आया है यहाँ पर अब देखिए जब इसको आप यहाँ पर करेंगे तो अब यहाँ पर आ रहा है तो पहले वाले यहाँ पर नहीं था तो देखिए अब देखिए यहाँ पर आ रहा है तो इस तरह से अब जब इसके आगे भी बनाते जाएंगे तो इसको छोड़कर इस पर आएगा तो यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर था यहाँ पर नहीं था ये वाला बीच वाला पस रहा था ना तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के हर कार्बन पर मूव होगा यानी कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पर डिलोकलाइजेशन शुरू हो जाएगा और इसमें ये निगेटिव चार्ज के थ्रू ये डबल सिंगल अगर आप यहाँ पर ये बांध देंगे यहाँ से देखें यहाँ ये वान्ड अगर आप ये यहाँ पर देंगे तो ये वाला बान फिर यहाँ पर मूव हो जाएगा यानी कि ये इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है और इसमें पूरा निगेटिव चार्ज तो इसमें डाइपोल मोमेंट हम कैसे देते हैं प्लस से माइनस तो इसमें डाइपोल मोमेंट है तो अब इसमें डाइपोल मोमेंट है ये पता चल गया लेकिन इसमें लो है कि हाई है तो इसमें बहुत हाई डाइपोल मोमेंट होता है आप यहाँ पर लिख लेंगे हाई डाइपोल मोमेंट हाँ हो गया हमारा बिन्जुनाग एन एन बिन्जुनाग, अब बढ़ते हैं हम क्रैक रूल की तरफ क्रेग रूल हमारा क्या है इसमें भी हम देखते हैं कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक इसमें थोड़ा सा अलग है कैसे है वो भी देख लेते हैं करैक रूल इसके अकॉर्डिंग क्या है ये अपलिकेबल होता है फॉर पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंसोनाइड कंपाउंड के लिए पॉलीसाइक्लिक पॉली मतलब एक से ज़्यादा साइकिल होनी चाहिए इसमें जैसे देखिए कि यहाँ पर दो है बाईसाइक्लिक तो नॉन बंजोइड कंपाउंड के लिए यहाँ पर लिखा है नॉन बेंसनोइड और ये भी हमारा एजुलिन है ये हमारा एजुलिन था ना वही एजुलिन है बस इसमें ये जो इसमें नोक वाला पोर्शन था ऊपर की साइड था मैंने इसको इधर की साइड बनाया लेकिन ये सेवन मेम्बर थी इधर भी सेवन मम्बर थी कोई कोई फ़र्क नहीं है बस इसमें कुछ सी टू एक्सेस दिखाने के लिए मैंने इसको इधर कर दिया नहीं तो इसमें सी टू एक्सेस नहीं दिखा पाते हम लोग थोड़ा सा दिक्कत आती तो ये अप्लीकेबल होता है पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड के लिए और कोई भी एक एक पहला पहला पॉइंट हो गया पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड अगर हमारे पास कोई बेंजोनाइड कंपाउंड हो उसमें हम करैक रूल नहीं लगा सकते और कोई भी हमारे पास मालिक होगा उसमें हम देखेंगे सी टू एक्सिस प्रजेंट है या नहीं अगर सी टू एक्सिस प्रजेंट होगी तब हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर उसको वहाँ पर उसमें भी करेक्ट रूल नहीं लगेगा और फिर जब ये दोनों कंडीशन हो गई फिर हम तीसरे की तरफ़ बढ़ेंगे फिर अब हम करेंगे कैसे इस करेक रूल को अब उसमें काउंट करेंगे काउंट टोटल नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड इसमें कितना पाई बॉन्ड है हम इसको काउंट करेंगे फिर उसके बाद कल्ट और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से जितना पाई वनड होगा उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे एन इजल डू जितना आएगा हम वो लिख लेंगे फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एन माइनस वन यानी कि अगर डबल वन हमारे पास फाइव है तो फाइव में से एक घटा देंगे फोर हो जाए अगर एन माइनस वन करने के बाद हमारा ऑड आता है ऑड तो हमारा कंपाउंड यहाँ पर लिखा है कंपाउंड वो हमारा कंपाउंड कैसा होगा नॉन एरोमेटिक अगर वही एन माइनस वन करने के बाद ईवन आता है तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा एरोमेटिक एग्जाम्पल लिखा है उससे देख लेते हैं यह कम ये है इसका नाम तो यजोलिन हैं अब इसमें देखनी है हमें सबसे पहले क्या यह पॉलीसाइकिलिक नजनाइड है हाँ ये पॉलीसाइक्लिक है दो साइक्लिक है नॉन वंजनाइड भी है एजुलिन भी मैंने यहाँ पर नॉन वंजनाइड में बताया तो इसे ही करते हैं अब इसमें देखते हैं क्या सी टू एक्सेस प्रजेंट है तो यहाँ से पहले हम एक एक्सिस पास करें अगर तो अब देखते हैं क्या इसमें सी टू है सी टू को मतलब इसे वन एट्टी डिग्री रोटेट करना है सी टू वन एटी डिग्री गया ये ये ये, ये मान लीजिए ऐसे है तो इसको हमें ऐसे करना है ये ऐसे है तो इसको ऐसे करना है तो देखिए जब हम ये ऐसे इसको जब ऐसे करेंगे ये वाला कार्बन इस साइड ये वाला इस साइड ये वाला इस साइड और ये वाला इस साइड यानी कि ये पूरा इस साइड पूरा फिलिप हो जा रहा है तो इसमें सी टू एक्सेस प्रजेंट है जब सी टू एक्सेस प्रजेंट है तो अब क्या करेंगे हम टोटल काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें हाँ इसमें जब आप हम इसमें C2 टू एक्सेस देख रहे हैं तो इसमें पाई बांड इधर जाकर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पाई पाईबांड जो इधर तो हमें ये पता है ना कि ये डिलोकलाइजेशन में होता है तो हमें पाई बाड को उतना तो ध्यान नहीं देना है हमें बस कार्बन कार्बन को फिलिप करा के देखना है कि वो सी एक्सिस उसमें है कि नहीं पाई पाईबांड पर हम थोड़ा इग्नोर करेंगे अब हम काउंट करते हैं अब हम पाई पाईबांड का अब पाई बाड को इग्नोर नहीं करेंगे अब यहां पर काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एन इज इक्वल टू यहां पर हो गया फाइव एन इज इक्वल टू फाइव हमें कैलकुलेट क्या करना है एन माइनस वन यानी कि फाइव माइनस वन यन माइनस वन करना था ना तो यन की जगह फाइव वन तो हो जाएगा हमारे पास फोर ये फोर क्या है इवन है क्या और इवन है तो ये कंपाउंड कैसा है एरोमेटिक ये होता है क्रैग रूल के अकॉर्डिंग अब एक कंपाउंड हमारे पास ये है इसमें देखते हैं सी टू एक्सिस हम यहाँ देख एक्सिस पास करें अगर हम तो इसमें सी टू एक्सिस अगर हम ये इस तरह से है इसको हम इस तरह से फ़िलिप कर दें पाई पाइपन को इग्नोर करेंगे इसको हम इस तरह से फ़िलिप कर दें ये यह कार्बन यहाँ पर ये यह वाला कार्बन यहाँ पर ये यह वाला यहाँ पर ये यह वाला यहाँ पर यानी कि पूरा एकदम ओवरलैप हो जा रहा है यानी वन एटी डिग्री रोटेट करने के बाद हमें वही वही उसी तरह का हमारे पास जो भी मिलेगा उसी तरह का कंपाउंड मिलेगा यानी कि इसमें सी टू एक्सेस प्रजेंट है जब सी टू एक्सेस प्रजेंट होती है तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. यानि तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी इज इक्वल टू सिक्स एन माइनस वन कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अब ये फ़ाइव क्या है ऑड जब ऑड होता है जब एन माइनस वन हमारा ऑड आता है तो हमारा होता है नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक यह तो हमारा नॉन एरोमेटिक तो बस हो गया हमारा बेंजोनाइड कंपाउंड, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड क्रैक्स रूल इसी के ता, इस, इसी के साथ हमारा एरोमेटिसिटी खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और जैसे कि क्या शुरू करें नेम रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेम रिएक्शन तो फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए दीजिए हमें खुदा हाफिज़